पंचदश नाम जूना अखाड़ा की दश नाम धर्मार्थ समिति द्वारा आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा शनिवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पहली नवरात्र से शुरू हो गया है। इससे पूर्व नगर में महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। जूना अखाड़े के श्री महंत शंकरगिरि महाराज ने बताया कि 2 अप्रैल से भागवत कथा शुरू की जा रही है। विशाल भंडारे के साथ आगामी 11 अप्रैल को कथा का समापन किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से कथा श्रवण तथा भजन संध्या में पहुंचने की अपील की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बर रघुबर विमल जसु जो दायक फल जा बागेश्वर की संभ्रांत जनता को और मैं व्यासपीठ से इस नव हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही प्रातः स्मरणीय वीतराग संत शिरोमणि श्री शंकरगिरि महाराज जी के द्वारा सरयू तट पर संगम पर एक भव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और जिसका आज शुभारंभ का दिन है। तो मैं संभ्रांत बागेश्वर की जनता से निवेदन करता हूं कि यहां पर त्रिवेणी संगम में ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और पंचदश नाम जूना अखाड़ा किस्मत कुमाऊँ बागेश्वर को अधिक से अधिक सहयोग करें। और ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वह भी नवरात्र के समय में। तो कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकारो नाशं विदाये हि तदुदयते विवेकः। यानी कि जब अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो तभी मनुष्य को यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। उधर रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है और बिना राम जी की कृपा के ईश्वर की कृपा के कोई भी कार्य सुलभ नहीं होता है। इसलिए मैं संभ्रांत जनता से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर कथा श्रवण करके अपना जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।